और भी का देखो, कर author, author, बहुत इमोशनल स्टोरी है तो पढ़ोगे ना एकदम एक्सट्रीमली इमोशनल स्टोरी है मतलब प्रॉपर तुम समझ लो कोई एकदम बॉलीवुड मूवी टाइप का स्टोरी है जिसमें बच्चा है जो है अपनी मॉम के संग बुरा बिहेव करता है, इसको होता है कि वो गलत बिहेव कर रहा है एंड वो भी उसकी मॉम जब मर जाती है यू you नो know, प्रॉपर्ली बहुत इमोशनल एस्पेक्ट दिखा है यहाँ पे कैन का यहाँ पे दिखा रहा है

यहाँ पे वे इस स्टोरी, फील कि और मतलब एक, एक शॉर्ट मूवी चल रहा है वर्ड्स काफी सिंपल है सिंपल इस्तेमाल किया गया बट वेन यूलस्टैंड क्या बोलना चाह रहे हैं तुम लोग को की ये एक्चुअली एक स्टोरी टेलिंग स्किल दिखा रहे हैं यहाँ पे पोइट्री का ऑथर का सॉरी कितनी ब्यूटीफुलस वाइज हमें बताया ताकि

लैंग्वेज कम्युनिकेट नहीं कर सकते बच्चा को बहुत टीज करने बच्चा को बहुत स्कूल में मजाक उड़ता है पीपल मॉक एट बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ हिज हिज मदर्स एक्सेंट एंड फादर्स तुम्हारे पापा तो अलग रिलीजन के मतलब अलग जगह के तुम्हारी मम्मी अलग जगह की है ठीक है बहुत मजाक उड़ता है तुम कॉम्बिनेशन के नो कॉम्बिनेशन हो तुम तुम नो बहुत बहुत कुछ लोग उसको बोलते हैं बहुत कुछ ठीक है अब आते हैं कल्चरल बैकग्राउंड पे तो यहाँ पे दिखा रहे चाइनीस अमेरिकन ऑथर यहाँ पे ऑथेंटिसिटी लेके आ रहे हेरिटेज स्ट्रगल्स अभी तो को बोला यहाँ पे कल्चरल बैकग्राउंड का डिफेंस को यहाँ पे दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट uh, अगर कल्चर से आप आते हो तो साथ में रहना बहुत डिफिकल्ट होता है शुरुआत में लगता है इट्स ईजी बट इवेंचुअली यू अंडरस्टैंड की अलग अलग कल्चर होने से थोड़ा डिफिकल्टी आता है हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वन कैन मैनेज बट इट्स अस्ट्रगल लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल रहता है बिकॉज बाहर वाले जीवन नहीं देते हैं आपको आपको इतना कमेंट सुनना पड़ता है कि आपको बाहर वाले नहीं जीने देंगे, ठीक mm. तो पो, पो, है? तो यहाँ पे बैकग्राउंड किया है कल्चरल इन साइट सीखा पे ठीक है, न, details, है।, इनका skill, ने ने है, है ये ऐसा कानियां लिखते हैं जहाँ पे वो अलग अलग कहानी बताएंगे एम्पथेटिकस्पेक्टिव से वॉट इज एम्पथी एम्पथी एंड सिंपथी में फर्क क्या होता है बोलेगा बट उससे काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है लाइक like सिंपति आप किस करते हो गरीब जनता से गरीबा I mean, तो से जो आपसे नीचे है जो ऑलरेडी आपसे नीचे आपको उस पे दया आ रहा है बेचारा बेचारी वैसे एम्पथी होता है जब आप सामने वाले का दुख को सेम लेवल पे आके फील करते हो कि हाँ किसी को तकलीफ हो रहा है आई कैन अंडरस्टैंड मैं सोच के मुझे समझ एम्पति वो हो होता है तो एम्पति वाले सामने वाले के दुख को अपने लेवल तक लाके उसको समझना ठीक है सो so, ये भी एम्पथेटिकस्पेक्टिव से यहाँ पे लिख रहे हैं इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है चाइनीज कल्चर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है इस चैप्टर में वो भी यहाँ पे हाईलाइट होगा ठीक है पे मैजिकल रियलिज्म भी इस्तेमाल किया गया यहाँ पे थोड़ा तो बहुत मैजिकल एलिमेंट भी है कि एक आर्ट है ऑर्गामी आर्ट मीन पेपर आर्ट वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली एक रियल एनिमल uh, में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे मैजिकल चीजें भी दिखाई गई बिकॉज बच्चों को मैजिक समझ में आता है लॉजिक नहीं इट्स ऑल अबाउट मैजिक एंड नॉट लॉजिक को हमेशा मैजिकल चीजें आज इतना है बच्चों को हमेशा कोई मैजिकल चीज या कुछ भी सुपर नेचुरल कुछ भी फनी मतलब मैजिक एंड नॉट लॉजिक ठीक है तो मैजिकल रियलिज्म भी इस चैप्टर में दिखाया गया मेटाफर यूज हुआ पेपर मेराजरी में मैजिकल पेपर एनिमल सिंबलाइज कर रहा है कनेक्शन बिटवीन प्रोटेगनिस्ट एंड मदर एंड कल्चर हेरिटेज की उसकी मम्मी वो पेपर मेरा

में सबको कोई अगर सिंगिंग सिंगर आ रहे हैं अगर सब वो सिंगिंग रियलिटी शो है गाना तो सबको आता ही है बट वो लोग ऑडियंस की इमोशंस के साथ डील करते हैं वो लोग अपना दुख का कहानी बताते हैं अपना स्ट्रगल स्टोरी बताते हैं कितने तकलीफ में आए थे कितने ये हुआ था वो हुआ था ये हुआ था वो हुआ था तो अपना इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ते हैं तो ऑडियंस के माथे में हमेशा रहता है कि हाँ यार एक कनेक्शन बन चुका है इम्पैक्ट so यहाँ पे उन्हें बहुत छोड़ा मतलब एकदम पे तुमको रोना भी आ जाएगा मतलब यू you नो know, अगर तुम बहुत हिंदी पढ़ रहे हो तो बहुत इमोशनल बहुत सारे टर्न्स आते चैप्टर में लास्ट है थोड़ा सांस देता है एंड अटेंशन टू डिटेल माने आपको डिटेल्स एक ही चीज को पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एक इवेंट सेवेंट डिलीट किया गया ठीक है सो दिस वॉज इसमें मैंने यहाँ पे देखो ऐसे फॉर्म में था इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो इसलिए तुम लोग चार्ट में कर दिया था कि चार्ट में देख पाओगे एक्सपर्टीज स्टोरी टेलिंग कल्चरल बैकग्राउंड किया है कल्चरल इनसाइट एड किया तो है मैजिकल रियलज्म किया बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कैरेक्टर्स नहीं समझोगे तो आगे और डिफिकल्टी आएगा को मैंने दो फोटो शेयर किया उस फोटो में, में का मीनिंग मैंने लिखा है चेक करना स्टिल मेक माय ओन नोट्स मैं पेन नहीं उठाऊंगी तब तक मुझे लगता है मेरा बेस्ट नोट्स बनेगा ही नहीं तो जो मैंने अपने डायरी में नोट्स बनाया आई विल शेयर अगेन आई थिंक कि उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है जितना भी हम बना रहे तुम लोग इसलिए बोलता है अपने हाथ से प्लीज अपने तरीके से नोट्स बनाओ

दो तो अलग अलग जात के लोग जात के नहीं दो तो अलग अलग एकदम हेरिटेज के लोग अलग जगह से आए हैं अलग लैंग्वेज सब कुछ तो इसकी मम्मी के संग रिलेशनशिप रहता है बहुत इम्पैक्ट होता है बिकॉज ये हमेशा गुस्से में रहता है अपनी मॉम से उसको अपनी इसकी मॉम इन्फीरियर लगती है ऑन मेनी लेवल्स ठीक हेरिटेज देखो ये अपना जो कल्चर बनाया हुआ है ना हम लोग को बचपन से बच्चा जो है वो दादी की फैमिली के साइड रहा है दादी का फैमिली मतलब पापा लोग का फैमिली के साइड रहा हुआ है हम लोग सबको पापा के फैमिली के साइड सारा समय रहते हैं बिकॉज नानी घर कब जाते हैं हम लोग कोई तो वेकेशन में जाते समर वेकेशन हो गया विंटर वेकेशन हो गया फंक्शन हो गए ठीक है वहां पे जाते हैं बॉन्ड वहाँ भी अच्छा होता है पर हम लोग रहते हैं ना जहाँ पे जहाँ पे रहना है रोज का खाना पीना रहना है वहां का एटमोसफेयर वहाँ का एम्बियंस वहाँ के लोगों का कल्चर हमको इम्पेक्ट करता है जितना ही बोल लो ठीक है तो यहाँ पे क्या है

मम्मी पापा पूरा परिवार किसी फेमाइन की वजह से सबको मर जाते हैं सिर्फ ये बची हुई रहती है तो एक तो अब नानी का फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है आप जाते नहीं वहाँ पे तो ही फील्स वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम चाइनीज हेरिटेज ठीक है एंड ही इज टोटली एसिमिलेटिंग इनटू अमेरिकन कल्चर बिकॉज ये अमेरिकन कल्चर में ही रहा है अपने पापा के साथ रहा है ठीक है नंबर लर्न टू अप्रिशिएट बैकग्राउंड एंड हम लोग सबका बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये कि हम लोग को मरने के बाद इंसान मर जाता है कोई इंसान अपना उसका नुकसान हो जाता है तब आपको एहसास होता है उसके वैल्यू का तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं वो अपने बैकग्राउंड को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वे मम्मी को बहुत बुरा बीमारी हो जाता है एंड देन

जैकी जो मोर्म है इनका जन्म होता है सिंगुलू विलेज प्रोविंस चाइना में ठीक uh, है हेबाई प्रोविंस बोलेंगे इसको चाइना इट इंडियोर्स ग्रेट फमस एंड कल्चरल रेवोल्यूशन जब वहां पे पर भूखमरी मतलब माने क्या कुछ कुछ खाने को ही नहीं है ठीक है एंड उस वक्त वो गाँव बहुत सफर किया था पूरा रेवोल्यूशन आ गया था कल्चरल रेवोल्यूशन क्योंकि सब जा रहे हैं लोग मर रहे हैं एक होता है कोविड नहीं आया था कोविड का एक वेव आया एंड बहुत लोग मरे भी है देखो बहुत बुरा बुरा हाल भी हुआ बहुत फैमिली का नुकसान भी हुआ है तो वैसे कुछ आता है एक एक आता है नेचर ही लेके आता उस सब कुछ चला जाता है उसमें ठीक है तो वैसे कुछ इन टू हॉन्गकॉन्ग तुम लोगों को पता ना कि स्मगल लड़कियों को यू नो स्मगल करना बेसिकली गलत कामों के लिए वो हार्श कंडीशन में काम की है पता है एक कल्चर मेरे को पर्सनली यहाँ का बिल्कुल नहीं पता है बिल्कुल पसंद नहीं है Uh, ये तो चलो इससे बेटर कल्चर है फिर भी लेकिन मेरे को पसंद ही नहीं है तुम तो लोगों को पता होगा जब शादी किसी का होता है तो एक बायोडेटा बनता है ठीक है सो so, बायोडेटा फैमिलीज में मतलब हर जगह जाता है जो लोग सर्च कर रहे होते हैं फॉर अ ग्रूम और अ ब्राइड तो लोग हर जगह भेजते हैं लोगों के पास जाता है और लोग देखते हैं कुछ लोग रिजेक्ट कर देते हैं चाहे बोथ साइड हो बॉय को भी रिजेक्ट करो तो भी गलत है गर्ल्स को भी मतलब ऐसे देख रहे हो मतलब आप एक डिस्प्ले में लगे हुए आई ऑलवेज टू फील कि यू आर आर ऑन अ डिस्प्ले दैट पीपल Uh, आप डिस्प्ले पे आपको पुट अप कर कर दिया गया है है एंड 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 आपको आपको आपका एक शीट शीट जो आपको डिस्क्राइब पासिंग ऑन टू डिफरेंट फैमिलीज दे आर यू आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट एवर एक्सपीरियंस फॉर तो यहाँ पे सोचो mm -hmm. बोलो? I think, I think Pardon, क्या बोल यस पीस ऑफ पेपर मारेंगे ना मेरे की मेरा इंग्लिश का पेपर तुम्हारा फ्यूचर डिटरमाइन करेगा ठीक है तो एक और चीज जैसे अपने जब किसी से शॉपिंग करते हैं ना कोई शॉपिंग के समय या कुछ हम लोग मटेरियल खरीदते हैं तो वो कैटलॉग दिखाते हैं हम लोग को मटेरियल का घर पे पेंटिंग पेंटिंग करवाया होगा लोग इंटीरियर करवाया होगा तो, कर हो, तो को पता होगा तो हो कि कैटलॉग का दिखाते हैं पूरा वो इंटीरियर इंडियर डिजाइनवा मोटा कैटलॉग होता है एंड योर पेरेंट्स विल चूज द कलर्स एंड क्लोथ वट एवर दे वॉन्ट टू ठीक है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि शी बिकम्स अ मेल ऑर्डर ब्राइड कैन यू इवन इमेजिन मेल ऑर्डर ब्राइड माना कैटलॉग है इसका एज इफ

बिकम्स मैरिज जैक्स फादर इन कनेक्टिकट फिर शादी होता है जैक के फादर को पसंद आती है वो ऑल द वे आते हैं दो इस फादर वॉजन बींग बट बता रहे कि ये कल्चर गलत है ठीक है कल्चर क्या अपनी घर की बेटी को या कोई लड़की को डिस्प्ले में रख देना होता तो है बर्थ हुआ इनका सिंगुलू विज में हवाई प्रोविंस में चाइना में वहां पे ग्रेट आया कल्चर रेवोल्यूशन हो गया पूरा फैमिली तबाह हो गया फैमिली खराब हो गया स्मगल हुआ इसको भेजा गया जो लड़कियां रहती है बहुत कुछ होता है इन चीजों में वी डोंट इवन नो इंटीरियर हम लोग बहुत सिक्योर है मम्मी पापा बहुत ना शेल में रखते हैं हम लोग को तो हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड है अभी देखा नहीं आरजीकर में क्या हुआ ठीक है तो क्या ही बोले तो हम लोग बहुत शेल में प्रोटेक्टेड रहते तो हम लोग को पता नहीं कि बाहर का वर्ल्ड इज वेरी बैड तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं

कि वो चेरिश करती है एंड उसका जेजी आर्ट है मतलब ऑर्गामी आर्ट है वो ट्राई करती है वो बहुत कोशिश करती है कि अपने बच्चे को थोड़ा बहुत तो चाइनीज कल्चर सिखाए एक होता है मम्मी का फैमिली है पापा का एक फैमिली डिफरेंट है मम्मी का फैमिली डिफरेंट है मम्मी भी चाहेगी की मेरा भी कुछ यू नो मेरा भी कुछ ट्रेड मेरे बच्चे के अंदर हो पापा का तो नाम हम लोग यूज करते ही है मम्मी का नाम थोड़ी यूज करते हैं ठीक है तो एक मदर का इंस्टिंग रहता है कि यार मेरा भी कोई ट्रेड्स बच्चे के अंदर हो तो शी ट्राइज हर बेस्ट की मेरे बच्चे के अंदर मेरा कुछ तो चाइनीज हेरिटेज का ट्रेड्स आए ठीक है

तो वो अंदर अंदर घुट के लास्ट में बहुत बड़ा बीमारी उनको हो जाता है एंड सपोज कर लो किसी की मम्मी हॉस्पिटल में है आई फील कि चाहे जितना ही बड़ा इंसान हो जितना ही अमीर हो सारा काम वाम छोड़ के चाहे जितना बड़ा प्रोजेक्ट डूब रहा हो जो डूब रहा हो डूबने दो वो इंसान अपनी मॉम के पास रहेगा इन द हॉस्पिटल ये बंदा अपनी मॉम के साथ जब हॉस्पिटल में इसकी मॉम डेथ बेड पे थी इज लाइक आई हैव टू लीव फॉर सम वर्क एंड ऑल दैट पॉइंट सबसे बड़ा तो वहीं पे यू मेन ना आपको जैक के लिए रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगा ठीक है कि चाहे कोई बहुत बड़ा चौधरी हो कोई बहुत बड़ा कुछ काम कर रहा हो बट वो छोड़ छाड़ के आएगा इफ आ, उसकी मॉम का इतना बुरा हालत है एंड विल नॉट लीव फॉर एनी मीटिंग और निकल जाएगा कि आई आई हैव हैव माय फ्लाइट टू गो यू नो नाटक करके सो so वहीं पे आपको जैक के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा इस चैप्टर में ठीक है तो ये पूरा हमारा जैक एंड uh, जैक की मदर के आ, बारे में यहाँ तक पूरा सबको मार्क किया अच्छे से आगे बढ़े एवरीबडी आगे बढ़ रहे फिर हम ठीक है जैक एंड जैक की मोम के बारे में एक बार देख लो और सिर्फ की की वर्ड बोल रहे लोग कॉपी में लिख के रखो थोड़ा बहुत लिख के रखो ठीक है

जैक एंड इस फादर का बॉन्ड के बारे में भी आया जैकर लवक अलॉट बहुत करते हुआ है लास्ट ईयर स्कूल में अमेरिकन मैन हू मैरीज मदर इज एन अमेरिकन जैक की मम्मी से शादी करते हैं फ्रॉम ऑर्डरॉग के थ्रू का जेंटल है बट स्ट्रगलस्टैंड हर कल्चर बहुत काइंड है बहुत सॉफ्ट स्पोकन है बहुत जेंटल है और उसकी मम्मी का कल्चर को समझने में बहुत स्ट्रगल करता है सपोर्टिव है जैक को लेके बट सीज डिस्टेंस बिटवीन जैक एंड मदर ठीक है जैक को लेके काफी सपोर्टिव है आ, बट वो देख रहा है उसको दिख रहा है कि ना जैक और उसकी मम्मी के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है मतलब वो जैक का बहुत साइड लेते हैं कहने का मतलब है ठीक है सुजैन जो है वो जैक की गर्लफ्रेंड है हम लोग यहाँ पे जैक का थोड़ा बचपन वाला पार्ट भी देखेंगे जैक का बड़े होने मतलब थ्री फेज में हम लोग देखेंगे चैप्टर का पार्ट और वो भी तुम्हारा प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट ऐसे करके शिफ्टिंग होता रहेगा ठीक है

उस लेटर में जैक का जैक विल अंडरस्टैंड कि क्या मेरी मम्मी ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया हम लोग को लगता है हम लोग नहीं बोलेंगे सामने वाला समझ जाएगा नहीं समझता है कोई कुछ नहीं समझेगा यू हैव टू इफ यू आर ओवर ओवर गिवर गिवर देते रहे हो, दे, दे रहे हो सामने वाला एक दिन समझेगा नहीं समझेगा समझ भूल गया होगा तुम करके उसको रियलाइजेशन नहीं कि वो तो तुमसे क्या ले रहा है ठीक है जब ये लेटर पढ़ता है ना मम्मी के मरने के सालों बाद जब वो लेटर पढ़ता है तब इसको थोड़ा बहुत एहसास होता है इसकी गर्लफ्रेंड जब इस तारीफ करती है इसकी मम्मी का तब इसको एहसास होता है ठीक है

ये चार्ट एंड स्ट्रक्चर भी मार्क कर लो चलो वो लास्ट वाला लिख रहे हैं मैं दिखाऊंगा तो हाँ लिख लो हाँ ये लिख लो ये टाइगर है वो पेपर टाइगर जो उसकी मम्मी बनाती है ना और ये मैजिकल एलिमेंट है वो जिंदा हो जाता है लाइफ में आ जाता है लाइफ में कैसे मूव करता है मूव करके जैसे डोरेमोन नहीं है नोबिता हैज अ रोबोट फॉर हिम जो जो चाहिए वो उसको हेल्प कर देता है वैसा तो ऐसे पेपर आ, आ, आर्ट से एक एनिमल बनाया हुआ है जो लाइफ में आता है वो तो जिंदा हो जाता है ऐसे करके वो आपके पास आता है आपको हेल्प करता है आपसे बात करता है आपसे इंटरेक्ट करता है ठीक है और ये मैजिकल एलिमेंट है हम दोनों को बोला कि बच्चों को मैजिक पसंद है लॉजिक नहीं तो यहाँ पे ऑफकोर्स मैजिक एंड लॉजिक का बात है <coughs>

हाँ जी भी हो गई चलो फटाफट से आते इसका स्ट्रक्चर पे चार्ट एंड स्ट्रक्चर पे देखो यह यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है ये सब एमसीक्यू में है इसलिए बता दे रहे हैं यहाँ पे बेस्ट टाइम नहीं लगाएगा फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में हमारा नरेशन होगा फर्स्ट पर्सन से क्या होता है जब हम अगर सपोज तुमको हम किसी और कहानी बता रहे ना, जिसको तुम जानते नहीं हो तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा कि मे बी की दीदी हो गया मतलब किसी और का किसी और में, कोई मेरी फ्रेंड का कहानी तुमको दो घंटा बता रहे नहीं सुनेगा यू नो मी पर्सनली ठीक है तुम लोग मेरे से मिलता है काफी बार अगर हम अपना लाइफ का कोई कहानी तुम लोग बताएंगे तो शायद तुम लोग इंटरेस्ट से सुनोगे की हाँ चलो दीदी को हम लोग जानते हैं एक कनेक्शन है इनको देखते हैं रोज इनसे क्लासेस लेते हैं कुछ भी एक है की हाँ इनका बात फिर भी सुन ले की क्या बोल रही है अपने लाइफ के बारे में ठीक है तो ये होता है जब हम आई या अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव रखते हो ना तो सामने वाला एक पर्सनल टच आता है इसलिए हम फर्स्ट पर्सन नैरेटिव को थोड़ा सा और वो पर्सनल टच को एनहांस करता है ठीक है इमोशनल जर्नी को पूरा शो किया गया uh, पढ़ने में एवरीथिंग इज परफेक्ट लैंग्वेज काफी जर्नी में इन्वॉल्व रहोगे इस पोएम में ठीक है बायलिंगल एलिमेंट से मतलब चाइनीज वर्ड्स काफी इंक्लूड किया गया चाइनीज वर्ड्स का मीनिंग तुम लोग हम सबको प्रोवाइड कर देगा जो यहाँ पे रहेगा जो हम लोग के लिए बेटर है ठीक है और जो कि एकदम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया प्रॉपरलीक्टा पोजिशन तुम्हारा uh, ऑपोजिट या थिंग्स को बोल सकते हो ठीक है यहाँ पे साइड बाई साइड मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या होता है आप साइड बाई साइड प्लेस कोई चीज को के लिए बिटवीन स्टार वॉर एक्शन फिगर पेपर एनिमल्स स्टार वॉर्स किसी को पता होगा बहुत गेम का कोई बहुत एक्सपेंसिव गेम है ठीक है उसके जो फिगर्स होते हैं बहुत मॉडर्न एंड बहुत ही अच्छे होते हैं स्लीक होते हैं और उसका कंपेरिजन दिखा रहे तुम्हारा सॉरी पेपर एनिमल जिसकी मम्मी बनाती है

का एक एहसास होता है लैंग्वेज सिंपल है वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया Bilingual elements है पे ऐड किए गए हैं जेक्सा पोजिशन माने दो कॉन्ट्रास्टिंग जिसको साथ में प्लेस करना जब साथ में रखते हो तो कुछ डिफरेंस भी निकलता है कुछ सिमिलैरिटी भी निकल सकता है डिपेंड करता है मैजिकल रियलिज्म में तुमको बताया मैंने यहाँ पे पेपर आर्ट का बात हो रहा है में में तुम्हारा बचपन स सात आठ साल तक तो आप अभी हम तो अभी भी डिपेंडेंट अपनी मम्मी पे भाई लेकिन सात आठ साल तक तो आप एकदम बचपन में जब दस साल तक के होते हो तब तो तक एक्सट्रीम लेवल पे डिपेंडेंट होते हो आपको वही दिखती है मतलब मम्मी चाहिए रो देते हो आप लोग ठीक है तो शुरुआती रिश्ता ऐसा होता है फिर तो बीच में दिखाया कि जाएक ना जब थोड़ा टीन में आता है टीन में आके सब बदतमीज हो जाते हैं बच्चे वैसे ही

कम टू मी शू शी वॉन्टेड केयर फॉर मी शी वॉन्टेड टू केयर फॉर मी दोनों चाहिए था उनको और मैं भागता था उनसे तो उसको लास्ट में एहसास होगा इमेज भी यहाँ पे काफी यूज हुआ है ठीक है दो इमेज का एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट में आ, कि उसकी मम्मी ग्रीन कलर का सिल्क शॉक्म पहनी हुई है विद लॉन्ग ब्लैक है ये शॉक्म क्या क्लॉथ है तो लोग हम दिखा देगा फोटोज है मेरे पास हर चीज का When we read the chapter, I'll share the pictures. चाइनीज स्टाइल uh, uh, का हर चीज का बात हो रहा है यहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन विद मार्क सब कुछ दिखाया गया कैसे वो बात करता है एक एक दीटेल, एक एक डिटेल डिटेल इस चैप्टर में ना तुमको कोई सांस भी लेना भी डिटेल दे देगा एक एक माइन्यूट डिटेल इस चैप्टर में दिया है दैट इज इज इट थोड़ा है ये ठीक है ये पूरा हम लोग का स्टाइल एंड स्ट्रक्चर में आएगा ठीक है स्ट्रेट अवे एकदम सीधा क्रिटिकल uh, रिमार्क हम ये तुम्हारा ये जो है ना तुम लोग भेजेगा आफ्टर क्लास कॉपी में करना जो फमाइन आया था ना जिससे इसका पूरा घर तबाह हो गया था तो वो पूरा दिखाएगा कि फमाइन कब आया था कल्चरल रेवोल्यून क्या हुआ था यू you नो know, उसमें क्या कंपैरिजन एंड कमेंट्री क्या है? ये सब तुम लोग को हल्का फुल्का रीड कर लोगे तो पता होगा कि क्या क्या, क्या है अब आते थीम्स में। थीम्स कॉपी में लिख लो थीम्स का की पॉइंट्स नहीं लिखना पड़ेगा लिंक कॉपी में जो थीम्स का टाइटल है वो या, या, याद करके मेरे को भी चैट बॉक्स में लिख के देना पड़ेगा पहला ही थीम है हमारा आइडेंटिटी ऑफ कोर्स एंड कल्चर हेरिटेज इतना बात बोला तुम लोग को बार बार जैक स्ट्रगल कर रहा है चाइनीज हेरिटेज को एम्ब्रेस करने के लिए तो नानी का घर है नहीं तो जाएगा कहाँ पे ठीक है अमेरिका में पला बड़ा है और रहता भी अमेरिका में हम कोलकाता में रहते हैं सौ मीटर दूर रहती है ठीक है सेम कास्ट के हम लोग तो हम लोग को क्या है कि हम लोग बचपन से नानी के घर में रहे हुए तो पता है सेम जगह रहते हैं ठीक है ठीके? सेम सिटी में रहते हैं अब ये बच्चा अमेरिका रहता है वो लोग परिवार चाइना चाइनीज फैमिली है और वो फैमिली पूरा खत्म हो चुका है कोई नहीं है वहाँ पे ठीक है तो ये बच्चा जब रहा ही नहीं है वहाँ पे उनको एक बॉन्ड ही नहीं बना विदाउट इमोशनल बॉन्ड आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते ठीक है तो बच्चा बहुत फेस करता है बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करता है पे कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है कल्चरल चैलेंजेस फेस करता है कि उसकी मम्मी चाहती है कुछ चाइनीज सीखे और ये सीखना नहीं चाह रहे ठीक है थीके? इससे मम्मी और इसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है लव एंड फैमिली स्कीम नंबर टू मा कर लो लव एंड फैमिली स्कीम नंबर टू ठीक है यहाँ पे डीप अफेक्शन दिखा रहा है जैक एंड उसकी मम्मी के बीच में म, मदर का लव दिखाया गया हेट नहीं करता अपने आप बस इरिटेट होते हो इमेचोरिटी की वजह से ऐसा बिहेव करते हो दो बडी हेट है मदर और फादर का मॉन ठीक है बट आप थोड़ा इमेचोरिटी की वजह से वैसा बदतमीजी से बिहेव कर लेते हो थर्ड थीम है लॉस एंड ग्रीफ मार्क कर लो लॉस एंड ग्रीफर्ड थीम बहुत दुख होगा जब सब कुछ चला जाएगा इसकी मम्मी को तो बड़ा बीमारी हो जाएगा और लास्ट में जब उसको लेटर मिलता है ना उस पेपर में मैराजरी के अंदर ही <laughs> विल बी मतलब उसको फाइनल क्लोजर मिलता है है ठीक मतलब एक चीज इनकम्पलीट रह जाता है लेटर नहीं को निकलता तो अब आ रहा है ट्रेडिशन एंड कल्चरल हेरिटेज तो यहाँ पेपर में मैनाजरी पूरा उस ट्रेडिशन को हाईलाइट कर रहा है चाइनीज कल्चर को हाईलाइट कर रहा है जो जैक के जो जैक की मम्मी के थ्रू पास ऑन हुआ है ठीक कल्चरल हेरिटेज हेरिटेज तुम देखो ना आज हम लोग तुम लो, तुम लो खुद बताओ मेरे को जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ते हैं हिस्ट्री में जूविश का जैन का नंबर बेसी है, है, है बुद्धिस्ट का नंबर बेसी है हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे एरिया में हम बता रहे तुमको जो हम लोग को नॉलेज उसके हिसाब से बताओ चार्ट में बताओ फटाफट से क्रिश्चियंस बेसी है कि जुविश लोग बेसी है जैन बेसी है कि बुद्धिस्ट बेसी है जैन दीदी शायद जैन होना चाहिए यस, yes. जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, और मजाक नहीं हम इसलिए बोल रहे हैं, हर एक कल्चर अपने आप को वो करने के लिए आता है कि हम लोग का कल्चर आगे तक स्प्रेड हो कुछ हुआ उसमें कुछ नहीं हो पाया कुछ कम रहेगा कुछ गायब हो गए कुछ का क्लाइंड काफी छोटा रहेगा ठीक है यहाँ पे वही बात हाईलाइट कर रहा है कि सबको अपना कल्चर रूट से बहुत प्यार है कि हम जहाँ से आते हैं ना वो ट्रेडिशन हम कहीं नहीं खोए उसका एक जैसे पहाड़ी लोग जो होते हैं पहाड़ी लोग जो होते हैं वो लोग का कल्चर अलग होता है तो हिंदू पर उनका शादी का तरीका अलग है नेपाल के लोग थोड़े अलग होते हैं तो ये सब अपना कल्चर को पकड़ के रखता है कि नहीं कल्चर नहीं छोड़ेंगे अपना जो हमारा रहन सहन है जो हमारा सब चाहते हो ये आगे लेगेसी जाए तो सेम यहाँ पे हाईलाइट हो कि इसकी मम्मी कितना चाहती थी लेगेसी आगे जाए कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप इसलिए हुआ एक तो लैंग्वेज बैरियर भी था देखो थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर था और दूसरा मिस अगर इसकी मम्मी का इंटेंशन गलत नहीं भी है ना तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है बच्चे को बोल नहीं पा रही है कि मेरा इंटेंशन ये नहीं ये था क्योंकि बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है लैंग्वेज बच्चा भी इस बात को एंटरटेन नहीं कर पा रहा है और मम्मी को वो समझे उनका एक्शन समझे इतना तो उसके अंदर मच्योरिटी नहीं है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन मिस का थीम काफी हाईलाइट हुआ है एंड रिडेम्पशन ठीक है जैक

संग संग लर्न कर लो इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है ताकि अंदर से कुछ भी क्वेश्चन दे हम लोग प्रिपेयर है जितना ही मैम डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट कर ले वी आर प्रिपेयर फॉर इट ठीक है शॉर्ट शॉर्ट चार्ट है उसको पूरा देख लो की -की पॉइंट से और याद कर लो चार पेज को खत्म तो पूरा आंसर नट्टा मारना है ठीक है ये लिख लो फिर हम नया लिंक दे रहे तुम लोग को क्योंकि कुछ कुछ बचा बचाव मीटिंग ऑफ हो जाएगा मेरा और सब ज्वाइन करना अटेंडेंस हम लास्ट में दे रहे हैं इसीलिए तो लास्ट तक जो रहेगा वही अटेंडेंस में जाएगा